गौरव में अतीत से संपन्न जोधपुर के प्राचीन परंपरागत जल स्रोत सूर्य नगरी की ऐतिहासिक धरोहर है। सांस्कृतिक महत्व से जुड़े इन पारंपरिक जलाशयों की स्थापत्य कला भी बेजोड़ है। मारवाड़ के तत्कालिक शासकों ने अपने अपने समय में शहर के अनेक जगहों से जलाशयों का निर्माण करवाया। जोधपुर के अनुमान के अनुसार करीब 100 तालाब, बावड़ी, कुएं, समंद और जलाशयों का निर्माण हुआ था, जिनकी स्थापत्य कला भी बेजोड़ थी। आज से 547 वर्ष पूर्व राव जोधा द्वारा स्थापित जोधपुर शहर पारंपरिक जल स्रोत की खान के साथ में विख्यात था। प्राणी मात्र की मूलभूत जरूरतों का आधार होने से सभ्यताओं का विकास भी इन जल स्रोतों के आसपास हुआ। शहर की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जलाशयों का निर्माण भी होता गया। इसके परिणाम स्वरूप आज भी शहर में दर्जनों जलाशय मौजूद हैं। की ढुले तो की फर्क कोनी पड़े, पानी ढुले तो घणो ही जीव बड़े। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में ये जलाशय धार्मिक प्रवृत्ति और संस्कृति से गहनता से जुड़े होने के कारण इनका महत्व अभी भी विश्वसनीयता रखता है। अरावली पहाड़ियों के बीच चोखा से दईजर तक 30 किलोमीटर लंबे और 3.5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में स्थित जोधपुर अपने अंदर कई प्राचीन जलाशयों का स्वर्णिम इतिहास अपने अंदर संजोए है। आइए आज हम इन जलाशयों से आप सभी को रूबरू करवाते हैं। चांद बावड़ी। जोधपुर नगर की सबसे प्राचीन बावड़ी का निर्माण जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा की सोनगरा रानी चांद कंवर ने फतेहपोल के पास करवाया, इसीलिए इसका नाम चांद बावड़ी किया गया। बावड़ी का विधिवत स्वरूप विक्रम संवत 1645 में दिया गया। बावड़ी का जल शुद्ध और स्वच्छ होने के कारण पीने के उपयोग में लिया जाता रहा। कायलाना से जलापूर्ति के बाद धीरे धीरे उपेचा का शिकार होती गई। इस धरोहर की सार संभाल हो तो पेयजल के साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी उपयोगी हो सकती है। तापी बावड़ी। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ियों में जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र भीमजी के मोहल्ले में स्थित तापी बावड़ी सन 1626 में मारवाड़ के तत्कालीन नरेश सूर सिंह के दरबार से राजव्यास रहे नाथोजी ने अपने पिता तापोजी की स्मृति में विशाल बावड़ी का निर्माण नगर के परकोटे के भीतर किले की तलहटी में बसे नागरिकों को पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू करवाया। यही उपेक्षिता बावड़ी आज तापी बावड़ी के नाम से जानी जाती है। आज से 20 वर्ष पूर्व रामजी व्यास और उनके सहयोगियों ने इस बावड़ी को खाली करवाया था। वर्तमान समय में जलदाय विभाग क्षेत्रीय लोगों को जल की आपूर्ति कर रहा है। पूर्व महाराजा गज सिंह जी ने भारतीय कला और सांस्कृतिक निधि के सहयोग से इसका जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है। तो कुंदन सी कारीगरी में बेजान वीरान बावड़ी, तो तलाश था हम मुसाफिर, मैं कसर की कशिश ढूंढती हूँ। तू सुरों का सरगम गाते हुए कभी ये अनजान रास्ते तक रहिए, तब सामने होके भी हम दूर हो जाएंगे। जालप बावड़ी। जोधपुर की प्रमुख बावड़ियों में से एक जालप बावड़ी का निर्माण मूथा जालप ने करवाया था, यही उनके नाम पर जालप बावड़ी कहलाई। इस बावड़ी का निर्माण कार्य वैशाख सुदी 7 संवत 1609 को पूरा हुआ था। अपना मूल स्वरूप और अस्तित्व बनाए रखने वाली इस बावड़ी का जल आज भी पीने योग्य है। इस क्षेत्र के निवासी इस बावड़ी का रखरखाव और जीर्णोद्वार अपनी बलबूते पर ही समय समय पर करवाते रहते हैं। गोरिंदा बावड़ी।
महाराजा जसवंत सिंह जी के समय नगर के सोजती गेट के भीतर वर्तमान में त्रिपोलिया बाजार के मध्य गोरा राठौड़ ने विक्रम संवत 1716 में गोरुंदा बावड़ी का निर्माण करवाया। गोरा राठौड़ तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह की धाय रही थी। महाराजा अजीत सिंह को मुगल शान के चक्रव्यूह से सुरक्षित निकालने में गोरा धाय का विशेष सहयोग रहा। इस बावड़ी का स्थानीय लोग सहजता के लिए गोरुंदा बावड़ी भी बोलते हैं। इस बावड़ी पर जलदाय विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर इसके पानी को कम करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी पानी कम नहीं हो रहा, क्योंकि इस बावड़ी में एक कुआं स्थित है और कायलाना झील से पानी की सिरें निरंतर चलती हुई आती हैं। नाजर जी की बावड़ी। जोधपुर के जालोरी गेट दरवाजे के भीतर ये स्थित नाजर जी की बावड़ी भी राजा महाराजा के जमाने में सेठ नाजर ने अपनी पत्नी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, जिसका जीर्णोद्वार तत्कालीन जिला कलेक्टर सुनील अरोड़ा ने करवाया तथा इसका रखरखाव क्षेत्रीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। सबका देखने का अपना अपना नजरिया है। हमें तो ये बावड़ियाँ, ये हसीन वादियाँ जन्नत सी नजर आती है। कुछ तो जादू आता है इन खूबसूरत बावड़ियों को देख, कोई यूं ही नहीं इनकी ओर खींचा चला आता है। शहर की भीड़ में जब याद आती हैं ये बावड़ियाँ, तो मैं चली आती हूँ इस धरोहर को संभालने। आप भी आइए ना।